नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को एक महान खिलाड़ी मानते हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच विशाखापत्तनम में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन का खेल आज 5 अक्टूबर शनिवार को खेला गया। सीरीज के शुरुआती दो दिन भारतीय टीम मैच में पूरी तरह से हावी थी, लेकिन तीसरा दिन साउथ अफ्रीका के नाम रहा था। एक बार फिर चौथे दिन भारत ने मैच में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। साउथ अफ्रीका की टीम अपने बल्लेबाजों के शानदार प्रदर्शन के दम पर भारत के 502 रन के जवाब में तीसरे दिन का खेल समाप्त हो जाने तक 385 रन बना चुकी थी और उसके पास 2 विकेट शेष थे। मैच के चौथे दिन साउथ अफ्रीका की टीम अपनी पहली पारी में 431 रन बनाने में कामयाब रही। भारत को पहली पारी के आधार पर 71 रन की महत्वपूर्ण बढ़त हासिल हुई। पहली पारी में साउथ अफ्रीका के लिए डीन एलगर ने 160 रन का एक शानदार शतक लगाया, वहीं क्विंटन डीकॉक ने 111 रन की पारी खेली। भारत के लिए रविचंद्रन अश्विन ने कुल 7 विकेट हासिल किए हैं, वहीं रविंद्र जडेजा को 2 विकेट मिले हैं, 1 विकेट ईशांत शर्मा को भी मिला है। दूसरी पारी में भी भारतीय बल्लेबाजों ने शानदार खेल दिखाया है। मयंक अग्रवाल 7 रन बनाकर टीम के मात्र 21 रन के स्कोर पर आउट हो गए थे, लेकिन इसके बाद रोहित शर्मा और चेतेश्वर पुजारा ने 169 रन की एक शानदार साझेदारी की है। इन दोनों की शानदार बल्लेबाजी के दम पर भारत ने अपनी दूसरी पारी 4 विकेट के नुकसान पर 323 रन बनाकर घोषित की है। भारत की कुल बढ़त 394 रन की हो गई। स्टार ओपनर बल्लेबाज रोहित शर्मा ने इस पारी में भी 149 गेंदों पर 127 रन का एक शानदार शतक लगाया है। उन्होंने अपनी इस पारी के दौरान 10 चौके और 7 छक्के लगाए हैं। वहीं चेतेश्वर पुजारा ने 148 गेंदों पर 81 रन का योगदान दिया। उन्होंने अपनी इस पारी के दौरान 13 चौके और 2 छक्के लगाए। अंत में रविंद्र जडेजा ने भी तेजी से खेलते हुए 32 गेंदों पर 40 रन बनाए। वहीं कप्तान विराट कोहली ने 25 गेंदों पर 31 रन का नाबाद योगदान दिया। दूसरी पारी में केशव महाराज को जहां 2 विकेट हासिल हुए हैं, वहीं एक विकेट वर्नोन फिलेंडर और कगिसो रबाडा को मिला है। 395 रन के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीका की टीम ने चौथे दिन का खेल समाप्त हो जाने तक 1 विकेट के नुकसान पर 11 रन बना लिए हैं। पहली पारी में शतक लगाने वाले डीन एलगर टीम के 4 रन के स्कोर पर रविंद्र जडेजा की गेंद पर LPW आउट हो गए हैं। चौथे दिन का खेल खत्म होने तक डी ब्रायन जहां 5 रन बनाकर खेल रहे हैं, वहीं एडन मार्करम 3 रन बनाकर क्रीज में मौजूद है। साउथ अफ्रीका लक्ष्य से अभी 384 रन पीछे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। इस पर कमेंट जरूर करें और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें और क्रिकेट जगत के हर ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए क्रिक7 यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।